हुआ हमारे साथ। और इस बीच झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने JSSC परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें JSSC परीक्षा में धांधली की जांच, CBI से कार्रवाई की मांग इस बाबत की गई है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासों के बीच में कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। भले ही 47 विधायकों का दावा JMN की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जब बाबूलाल मरांडी से कल बातचीत भी हमारी हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि नजर यहां पर बीजेपी की है, क्योंकि भ्रष्टाचार दोबारा अब हम होने नहीं देंगे। तो आरोप का कोई भी मौका बीजेपी की तरफ से छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन की बेनामी संपत्ति पर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन ने एक साथ 6 BMW कार बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदी और इसके लिए शराब और गिट्टी के कारोबार में करप्शन करके उन्होंने बेहिसाब पैसा कमाया। इस पैसे का जिक्र हेमंत सोरेन ने कहीं भी नहीं किया है। सर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आखिरकार हो ही गई, आप लोग पहले से कह रहे थे गिरफ्तारी उनकी हो गई है, अब आगे किस तरह से देखते हैं झारखंड की राजनीति को? देखिए, गिरफ्तारी उनकी हुई क्योंकि उन्होंने दारू में करप्शन किया, गिट्टी में करप्शन किया, BMW पकड़ाया, आपने देखा कोयला एक ही साथ जो है 6-6 BMW खरीदे गए हैं, और बेनामी संपत्ति, मैंने लोकपाल में 56 संपत्ति का जिक्र किया था, 82 संपत्ति हो गई जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, इनकम टैक्स को दिया, तो कहाँ से पैसा आया, तो एक बड़ा सवाल है। दूसरा, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी हैं, शिबू सोरेन जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, शिबू सोरेन जी का कोई पत्र नहीं नजर आ रहा है, बसंत सोरेन जी मीटिंग में नहीं नजर आ रहे हैं, सीता सोरेन जी मीटिंग में नहीं नजर आ रहे हैं, 48-39 में से केवल 32-33 विधायक आ रहे हैं, उनका सिग्नेचर सही है कि नहीं, चीजें हैं, ये राज्यपाल महोदय को देखने की आवश्यकता है। इसके बाद मुझे लगता है कि जो उनके घर का रिजेंटमेंट है, क्योंकि किसी योग्यता के आधार पर तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, शिबू सोरेन जी के बेटे के नाते बने थे, तो बेटे बसंत सोरेन जी भी हैं, बहू सीता सोरेन जी भी हैं, दुर्गा सोरेन जी ने पार्टी के लिए योगदान किया, तो मुझे लगता है कि उनका परिवार ही चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। और जब तक कि राज्यपाल आश्वस्त नहीं हो जाए, तो मेरा राज्यपाल महोदय से भी रिक्वेस्ट होगा कि सभी विधायकों से 1-to-1 उनको बातचीत करनी चाहिए। और झारखंड की राजधानी रांची में भी हलचल अब तेज होती जा रही है। देखिए, हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पेशी के दौरान ईडी उनके रिमांड की मांग करेगी। और इसी के साथ हालात को देखते हुए रांची में ईडी कोर्ट की सुरक्षा भी और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। मौके की तस्वीर आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ रांची के सर्किट हाउस में सत्ताधारी विधायकों को रखा गया है, जहां से उन्हें हैदराबाद या बेंगलुरु ले जाने की तैयारी भी की जा रही है। और इस बीच News18 India पर आप वो जमीन भी देख पा रहे हैं, जिसके घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। पूरा ये मामला जो जुड़ता है जमीन घोटाले से जुड़ता है, जिसके बाद साल 2022 में पूरा मामला निकलकर सामने आता है, और उसके बाद से ईडी लगातार हेमंत सोरेन को कई समन्स भेजती है। 10वें समन के बाद ये उनसे दूसरी पूछताछ थी। तो 15 दिन के रिमांड की मांग यहां पर ईडी की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि जिन सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई है अपनी कार्रवाई के दौरान, अपनी पूछताछ के दौरान, उसके लिए ईडी को वक्त चाहिए। हालांकि अब किस तरह की सियासी तस्वीर और कानूनी तस्वीर मिलकर एक बनकर सामने आती है, उस पर जरूर निगाहें यहां पर टिक जाती हैं। रांची से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें। देखिए, रांची से सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को अब झारखंड से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर ली गई है। रांची सर्किट हाउस के पिछले गेट से बड़ी बस अंदर भेजी गई है, और इसी बस के जरिए अब ये कहा जा रहा है कि रांची से बाहर विधायक भेजे जा सकते हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहां पर पेशी के दौरान ईडी उनकी रिमांड की मांग करने वाली है, और इसी हालात को देखते हुए रांची में ईडी कोर्ट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ रांची के सर्किट हाउस में सत्ताधारी विधायकों को इस वक्त रखा गया है, जहां से उन्हें हैदराबाद या फिर बेंगलुरु ले जाने की बात कही जा रही है। ये जगह सेफ मान करके चल रहा है अभी JMN। और इन सब के बीच News18 India पर आप वो जमीन भी देख पा रहे हैं, जिस घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को अभी गिरफ्तार किया गया है। तो हलचल बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है रांची के अंदर, झारखंड के अंदर। मुख्यमंत्री कौन है अभी तो यही नहीं पता चल पा रहा है। हेमंत सोरेन ईडी कस्टडी में है, और वहीं दूसरी तरफ अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। और बड़ी खबर यहां पर रांची से, रांची में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को झारखंड से बाहर भेजने की अब तैयारी, ये कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है। और रांची सर्किट हाउस के पिछले गेट से बड़ी बस अंदर भेजी गई है। सर्किट हाउस में 43 विधायक इस वक्त मौजूद है।
सत्ताधारी गठबंधन के 47 विधायकों में से 35 विधायक को बाहर भेजने की यह बड़ी तैयारी। तो देखिए, चार्टर विमान यहां पर तैयार हो चुका है और ऐसे में बगावत की आग अंदर खाने ना उठे उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। वक्त दिया गया है राज्यपाल की ओर से 5 बजे, उसके बाद वहां पर चंपई सोरेन उनसे मुलाकात करने जाएंगे। देखिए, अमूमन ऐसी तस्वीरें उसी वक्त में सामने आती है जब सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि अंदर खेमे किसी तरह का कोई मतभेद मनभेद में तब्दील होकर उनकी सत्ता को उनके हाथ से छीन ना ले, इसलिए किसी भी तरह की चूक ना हो कहा जा सकता है। ये बड़ा सियासी कदम यहाँ पर नजर आता है। और चलिए चंद्रमोहन का सीधा हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, बस तो हम लगातार दिखाई रहे हैं कि वो अपनी जगह खड़ी हुई है, चार्टर्ड प्लेन का भी इंतजाम है। अब जरा ये बताइए, 5 बजे मिलने के लिए बुलाया गया है राज्यपाल, ये भी तो कह सकते हैं ना, विधायकों की चिट्ठी साथ लेकर के आयो, जरा परेड भी करवा दो, 47 विधायकों का हस्ताक्षर इसमें है, वो 47 साथ में है, यानी अब आप तो कह रहे हैं कि 5 ही लेकर के वो जाएंगे, तो कैसे होगा, निष्कर्ष कैसे निकलेगा? बिल्कुल, देखिए, और उस परेड की तैयारी जेएमएम की तरफ से और चंपई सोरेन की तरफ से भी कर ली गई है, इसीलिए तमाम विधायकों को इस सर्किट हाउस में अभी भी रखा गया है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और बाहर के किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि डर कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है जेएमएम में और जो तत्कालीन सरकार के गठबंधन के जो तमाम विधायक हैं उनको, कि अगर कोई विधायक इसमें से बाहर निकलता है तो हो सकता है कि उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल हो जाए। ये जरूर चंपई सोरेन चाहते थे कि 3 बजे के करीब अपने तमाम विधायकों के साथ राजभवन के गेट पर पहुंचे, अगर राज्यपाल से वक्त नहीं मिलता है तो ये सभी विधायक फिर वहां से एयरपोर्ट की ओर जाएंगे और फिर इनको हैदराबाद भेज दिया जाएगा। लेकिन 3 बजे का वक्त इन्होंने मांगा था, वो नहीं मिला। राज्यपाल ने 5 बजे का वक्त इनको दिया है जब राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर बातचीत होगी। सिर्फ गठबंधन के जो नेता हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, वही राजभवन में राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद तय होगा कि आगे क्या सरकार चंपई सोरेन बना पाते हैं, कि क्या मुख्यमंत्री झारखंड के बन पाते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। कल शाम में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, नए सरकार का ओथ नहीं हुआ है, तो ऐसे में झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है और अब इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से। इस बीच क्योंकि आप रांची में मौजूद है, सर्किट हाउस के बाहर मौजूद है, बहुत करीब से इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति को देख भी रहे हैं, क्या आपकी खुद की राजनीतिक दूरदर्शिता यहां पर कहती है कि फिलहाल झारखंड में जेएमएम ने जो दावा पेश किया है, जो तस्वीरें यहां पर विधायकों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की नजर भी आ रही है, उसके पीछे कौन सी सबसे बड़ी वजह, डर, मजबूरी जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, क्या नजर आता है, आगे का भविष्य क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए, ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि डर और मजबूरी दोनों सता रहा है और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे दिल की धड़कनें और साथ ही विधायकों से दूरियों की भी चर्चा सामने आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आज से 3 दिन पहले हेमंत सोरेन इसी सर्किट हाउस में अपने तमाम सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त वो अपनी पत्नी को कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने सीधे तौर पर विरोध कर दिया और साथ ही उनके परिवार में भी फूट आ गई। सीता सोरेन ने ये कहा कि अगर कल्पना सोरेन बन सकती हैं तो सीता सोरेन क्यों नहीं बन सकती हैं, और ऐसे आलम में उन्होंने इनको आगे बढ़ाया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चंपई सोरेन का भले ही नाम आगे आ गया हो, लेकिन विधायकों में और साथ ही जो उनके गठबंधन दल के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं यह डर बनी हुई है और शायद यही वजह है कि अब रिजॉर्ट की राजनीति शुरू हो चुकी है। हैदराबाद में जगह बुक कराए गए हैं, 2 जहाज यहां पर पहुंचने की बात हो रही है और साथ ही सभी विधायक, जो 47 विधायकों का नाम लिखकर राजभवन में दिया गया है उसमें से 43 विधायक इस सर्किट हाउस में मौजूद हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ है कि अगर कोई विधायक बाहर निकले तो शायद उनका भी फोन नॉट रीचेबल ना हो जाए, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें सबसे अहम बात यह है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में कई ऐसे विधायक थे जो मंत्री बने हुए थे और उनको लेकर भी साफ तौर पर यहाँ पर जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक और लेफ्ट के विधायकों ने कह दिया है कि अगर उन लोगों
को फिर से दोहराया गया इसमें, तो वो उसका विरोध करेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चाहे 3 दिन पहले की बात हो जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई हो, या फिर चंपाई सोरेन की बात, जो अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और इन्होंने दावा भी कर दिया है, उनकी बात हो, कहीं ना कहीं पार्टी में और इस गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही।